मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर है जो मुजम्मिल भाई है वो हमसे मिलेंगे, और ऐसे लोग को आप मेरे प्यारे भाई और बहनों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, गरीब लोग हैं। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे से मिलेंगे, वो कैसा रिएक्शन रहता है उन लोग का मेरे चैनल के ज़रिए वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और 1:25 पे शाहजानी मस्जिद के अंदर की जमात खड़ी होती है। पूरी दरगाह शरीफ माशाल्लाह पैक हो चुकी है इस वक्त। पाइंती गेट पे आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा मंज़र है अभी जुम्मे की नमाज से पहले का। लोग तो यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ने के लिए तरसते हैं, और हमारा नसीब ऐसा है कि हम और माशाल्लाह ये यहाँ पे ये भी छोटे से एक सब्सक्राइबर है हमारे माशाल्लाह। मैं मोहम्मद चिश्ती साहब के व्लॉग्स शायद तो 1.5 साल से रेगुलर देखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए ब्लॉग में मैं आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जुम्मे का दिन है और मैं इस वक्त दरगाह बाज़ार में हूँ। दरगाह बाज़ार अजमेर शरीफ के अंदर है, और अभी मैं अजमेर शरीफ दरगाह की और मैं रवाना हो रहा हूँ, ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। आप लोग को सबको इंशाल्लाह ज़ियारत करवाऊँगा, और अपनी जो होटल है वहाँ से अभी मैं निकल के उस तरफ में मैं जा रहा हूँ, दरगाह शरीफ की ओर जा रहा हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितना रौनक है माशाल्लाह दरबार गरीब नवाज में इस वक्त, अभी सुबह का टाइम है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, और खैरियत भाई, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोग को कैसा क्या मंजर है दरबार गरीब नवाज के अंदर वो मैं बताने वाला हूँ। और एक और चीज़, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मुजम्मिल भाई अहमदाबाद से, तो वैसे तो है अफगानिस्तान से, इनका जो पुश्तैनी जो है, इनका जो एंसेस्ट्रल जो है वो अफगानिस्तान से, तो वो मेरे से मिलने के लिए उन्होंने मुझसे रابطہ किया, मुझसे मिलने के लिए बोला है। तो मैं इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसा क्या रिएक्शन रहेगा। अच्छा लगता है हमारे सब्सक्राइबर्स से मिलते हैं जब, तो उनको मैंने घर पे ही बुलाया है, तो इंशाल्लाह उनसे हमारी मुलाकात घर पे होगी। ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले तो आप लोग को मैं दरगाह बाज़ार का कैसा क्या मंजर है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं। या अभी इस वक्त हम लोग 1 नंबर गेट के सामने हैं। ये 1 नंबर गेट जिसे निज़ाम गेट कहा जाता है, और अभी हम लोग बस पहुंच ही रहे दरगाह की ओर। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कुछ मंजर है आज का मेरे प्यारे भाई और बहनों दरबार गरीब नवाज के बाहर का, दरगाह बाज़ार का। और अभी चलते हैं, आप लोग को लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को मंजर आज का जुम्मे का। जुम्मे के दिन तो वैसे ज़बरदस्त भीड़ हो जाती है दरबार गरीब नवाज के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ हो जाती है। और ऐसे लोग को आप मेरे प्यारे भाई और बहनों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, गरीब लोग हैं, फकीर लोग हैं। आज़म भाई, और कैसे खैरियत? यही आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग को ज़ियारत कराते हैं दरबार गरीब नवाज के अंदर का। आज के दिन का कैसा क्या मंजर है वो आप लोग को दिखाएंगे। Allahu Akbar.
अशहदु अन्न मुहम्मद रसूल अल्लाह। तो ये महफिल खाना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, महफिल खाना दरबार गरीब नवाज के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं पैक हो चुका है। और यहाँ से मश के अंदर पानी को पिलाने का काम भी किया जा रहा है। माशाल्लाह सवाब का काम है, माशाल्लाह दरबार गरीब नवाज में हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी अज़ान हो चुकी है जुम्मे की, और मैंने जैसे आप लोग को बताया आज जुम्मे का जो माहौल है कैसा रहेगा दरबार गरीब नवाज से, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे से मिलेंगे, वो कैसा रिएक्शन रहता है उन लोग का मेरे चैनल के ज़रिए, वो मैं आप लोग को दिखाऊँगा। और ये आप लोग देख सकते हैं अभी इस वक्त हम लोग दरबार गरीब नवाज में खड़े हैं, और अभी थोड़ी देर में जमात खड़ी हो जाएगी। अभी आप लोग देख सकते हैं 1:10 है, और 1:25 पर शाहजानी मस्जिद के अंदर की जमात खड़ी होती है, और फिर 2:10 पे अकबरी मस्जिद में। तो ये मैं आप लोग को टाइमिंग्स बता देता हूँ कब कब यहाँ पे माशाल्लाह नमाज अदा की जाती है जुम्मे की। और ये आप लोग क्राउड ज़बरदस्त देख सकते हैं, सब लाइन में कतार में। ऐसा लग रहा है होटल से कोई वज़ू बना के नहीं आया, सब यहीं पर आए हैं वज़ू बनाने के लिए। और आप लोग खुद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर रश हो गया है, और सफ़े पूरी की पूरी लग चुकी है माशाल्लाह। अभी हम लोग इसी वक्त आप लोग को मैं ज़्यारत कराऊँगा। और ये यहाँ का, तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कैसा मंजर है दरबार गरीब नवाज में आज का। और आज जुम्मे का दिन है आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। और अभी जस्ट अजान हुई है, और अभी मैं आप लोग को शाहजानी मस्जिद दिखा देता हूँ। शाहजानी मस्जिद के अंदर का कैसा मंजर है वो आप लोग देखते हैं। पूरी दरगाह शरीफ माशाल्लाह पैक हो चुकी है इस वक्त, और ज़बरदस्त मतलब हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ माशाल्लाह दरबार गरीब नवाज में तमाम जितने भी आशिक दरबार के अंदर आते हैं माशाल्लाह ज़्यारत करने के लिए आते हैं, और नमाज के वक्त माशाल्लाह नमाज में खड़े हो जाते हैं माशाल्लाह। तो एक फजीलत है, मैं तो ये समझता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, दरगाह में आते हैं साथ के साथ माशाल्लाह नमाजें भी होती है, इबादत होती है, रियाजत होती है, जिक्र अजकार होते हैं दरबार के अंदर। और ये करम है हुजूर गरीब नवाज का अजमेर शरीफ के अंदर, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी मैं आप लोग को जितना हो सकेगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोग को मैं ज़्यारत करवा दूँ। यहाँ पे कई लोग हैं नमाज जो पढ़ रहे हैं इस वक्त आई, और ये आप लोग को मैं दिखा दूँ यहाँ का जन्नती दरवाज़ा। और ये जो बोर्ड है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये नया बोर्ड लगा है, मैंने पहले भी दिखाया था आप लोग पे। थोड़े लोग नमाज़ पढ़े, थोड़ा वेट करते हैं फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं मंजर कैसा है यहाँ का। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइंती गेट की तरफ अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और पाइंती गेट पर आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा मंजर है अभी जुम्मे की नमाज से पहले का। और जैसे मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर 1:25 की जमात तो होती है, पर ज़ाहरीन जितने भी हैं माशाल्लाह काफ़ी पहले आके बैठ जाते हैं और जगह ले लेते हैं ताकि उन लोग की नमाज अदा हो जाए सही वक्त पे, सही टाइम पे। और ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह पूरी की पूरी माशाल्लाह दरगाह शरीफ इस वक्त पैक हो चुकी है, और इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे हम जैसे हमेशा अल्लाह से दुआ करते कि हमारी नमाज अंदर हो हुजूर गरीब नवाज के कदमों के नीचे। तो इंशाल्लाह हम लोग कदमों के नीचे नमाज पढ़ेंगे अभी हुजूर गरीब नवाज के। तब मैं आप लोग को दिखा रहा था कैसा क्या मंजर है दरबार के अंदर का, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह दरबार गरीब नवाज का। आज का जुम्मे का दिन है आज का, और आज 17 मई है, 17 मई की जुम्मा है, आप लोग देख सकते हैं ये दरबार गरीब नवाज के अंदर माशाल्लाह इस वक्त। और बस यहाँ तक अभी मैं अभी अंदर जाऊँगा इंशाल्लाह, और ये अहाता-ए-नूर यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है
जिसको बोलते हैं अहाता नूर। और यहाँ पे जो लेडीज़ यहाँ पे नमाज़ पढ़ती हैं और नॉर्मल अवकातों में, नॉर्मल टाइम में, तो अभी जो है जितनी भी लेडीज़ हैं वो उनको पीछे वाला जो हिस्सा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, वहाँ पे उसके पीछे जितना भी हिस्सा है तमाम लेडीज़ वहाँ पे जाके नमाज़ अदा करती है। और ये तमाम जितना भी हिस्सा है यहाँ का, ये पूरे के पूरे मर्दों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बन जाती है। और अभी इंशाल्लाह दरबार गरीब नवाज़ में अंदर जाएंगे, आप लोग के लिए, सबके लिए दुआ करेंगे। ब्लॉग को आप लोग आखिरी तक देखें, बिना स्किप करे देखें, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। और ये हुजूर गरीब नवाज़ की बेटी शहज़ादी गरीब नवाज़ सैयद अभी भी हाफ जमाल। और ये अभी इस वक्त हम लोग दरबार गरीब नवाज़ में, आप लोग देख सकते हैं, और मैं आप लोग को ज़्यारत करा देता हूँ, आप लोग ज़्यारत कर लें, दरबार के अंदर ज़्यारत कर लें। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। और हम भी इंशाल्लाह यहीं पर ही नमाज़ पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप लोग को मैं ज़्यारत करा देता हूँ बाहर से, ज़्यारत कर लें आप लोग सब, दरबार के अंदर की ज़्यारत कर लें आप लोग। और ये हमारे सैयद हदीस अहमद भाई और हूर अहमद भाई और सैयद हसनैन अहमद बाली वाला भाई यहाँ पे दरबार के अंदर खुद्दाम हजरात हैं माशाल्लाह, हमारे खुद्दाम भाई हैं यहाँ पे, तमाम लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ पे ज़्यारत करवाते हैं और माशाल्लाह सबके लिए दुआएं करते हैं दरबार के अंदर। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोगों ने माशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ अदा कर ली दरबार गरीब नवाज़ के अंदर। और माशाल्लाह हमारी खुशनसीबी है, हम लोग माशाल्लाह ही दरबार के खादिम भी हैं, तो माशाल्लाह हमारी खुशनसीबी भी हो जाती कि माशाल्लाह हमें अंदर नमाज़ पढ़ने को मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है दरबार गरीब नवाज़ के अंदर, वो भी आस्थाने के अंदर। लोग तो यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ने के लिए तरसते हैं और हमारा नसीब ऐसा कि हमें अंदर आस्थाने के अंदर हुजूर गरीब नवाज़ के कदमों के नीचे नमाज़ पढ़ने के लिए मिल जाता है। बहुत सारी दुआएँ करी है माशाल्लाह, तमाम जितने भी आलम इंसानियत है उन सब के लिए दुआएं करी है, जिन जिन लोगों ने मैसेजेस, कॉल्स, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, सब प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, सब प्लेटफॉर्म के जरिए जितने भी लोगों ने दुआओं के लिए बोला, सबके लिए दुआएं खैर करते रहते हैं दरबार गरीब नवाज़ में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दरबार गरीब नवाज़ में इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं आप लोग को कैसा क्या मंजर है दरबार गरीब नवाज़ में। और इंशाल्लाह इसी ब्लॉग में, जैसे मैंने आप लोग को बताया, लास्ट में मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो मुजम्मिल भाई है, वो हमसे मिलेंगे और वो वीडियो के आखिर में रहेगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोग को कैसा क्या मंजर है दरबार के अंदर का वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, ये दरबार के अंदर का अभी बाद नमाज जुम्मा का ये मंजर है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तो 1:25 की जो जमात है वो तो हो चुकी है शाहजहानी मस्जिद में। अभी इसके बाद की जो जमात है, जो लोग यहाँ पे 1:25 वाली नमाज में नहीं पढ़ पाते, जमात नहीं पढ़ पाते, तो वो लोग 2:10 की अकबरी मस्जिद में जाके पढ़ लेते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी 1 गेट की तरफ अभी चलते हैं, आप लोग को वहाँ का कैसा मंजर है वो दिखा देते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त यहाँ पे माशाल्लाह रश हो चुका है दरबार के अंदर। और ये माशाल्लाह ऐसा, ये तो नॉर्मल है मेरे, ये जितना भी रश है यहाँ का, ये ऐसा रश हमेशा रहता, नॉर्मल रहता है यहाँ का रश। ऐसे मौकों पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जब आप लोग गेट पे से पास हो रहे हैं या बहुत करीब से लोग आपके जा रहे हैं, तो याद रखिए थोड़ा सा कि आप लोग जेब कतरों का थोड़ा सावधान रहें, अपने मोबाइल पॉकेट पर्स का ध्यान दें ऐसे टाइम में,
क्योंकि यही टाइम होता है कि सबसे ज़्यादा जब जेब कतरे कब और भाई यही टाइम होता है कि जब सबसे ज़्यादा जेब कतरे जो है यहाँ पे जेब मार देते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सावधान रहे क्योंकि जेब कतरे आपको नहीं पता कि कौन आपके आसपास घूम रहा है मंडरा रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहे हमेशा। मैं सेफ्टी कंसर्न्स जो है मैं बताता ही रहता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को बताया, मैं अभी दरबारे गरीब नवाज में आप लोग को मैंने आज जुम्मे का दिन का कैसा मंजर है वो मैंने आप लोग को दिखाया, और जैसे मैंने आप लोग को बताया मुजम्मिल भाई हमारे घर आज आने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं, और उनसे आपकी तो अभी इंशाल्लाह इसके बाद हम मुलाकात कराएंगे। इतनी देर में हमारी जो है अफसाना बाजी है मुंबई से और उनकी पूरी फैमिली अभी आए हुए थे दरगाह शरीफ में, तो अभी हम लोगों ने उनको यहाँ पर दरबार में ज्यारत कराया, और माशाल्लाह ये यहाँ पर ये भी छोटे से एक सब्सक्राइबर है हमारे माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे कम प्राइस में हमको होटल में बहुत अच्छे फैसिलिटी मिली, फिर हमको खाजा गरीब नाज की ज्यारत करने का मौका मिला, उनके साथ में बहुत आराम से हमने ज्यारत किए, कोई गड़बड़ नहीं, कोई धक्का कुछ नहीं, बहुत अच्छे से ज्यारत किया, जो जो चीज़ की मालूम हुई थी ये भाई ने हमको खादी में सारी है हमको यहाँ पर हर एक जगह की मालूम दी और ज्यारत की, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अजमेर की हर चीज़ की मालूम है। सलाम अलैकुम, हम इनके होटल में भाई के होटल में खादी में हम रुके हैं, होटल भी बहुत अच्छा माशाल्लाह अच्छा है, और हमको जो मालूम था हर जगह पे हमको ज्यारत कराए, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हुआ, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र अच्छा लगता है, यूट्यूब चैनल लाइव करो बहुत अच्छा है, सफाई साफ सफाई भी अच्छी है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे रहे हैं, हमको वो चीज़ मालूम नहीं था, हम मालूम हमको कराए। इंशाल्लाह आपके लिए हम खूब सारी दुआएं करेंगे दरबार में, अल्लाह पाक आपकी लंबी उम्र अता करे, और इंशाल्लाह हम आपकी हर साल इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता करे और हम हर साल आपको देखें इंशाल्लाह। हम जो हमें यहाँ की जो हमें मालूम दी थी, हमें पूरा मालूम कराए, घुमाए बताए, जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं थी जानकारी दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरी बार उनका जो ब्लॉग है ये हम सब्सक्राइब कर दीजिए आप, तो ब्लॉग बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं माशाल्लाह, और आप ब्लॉग के ज़रिए आप ये ब्लॉग के ज़रिए आप अजमेर के बारे में हर जान सकोगे और जान पाओगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सलीम बनियार, हम मुंबई से आए हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, भाई से कांटेक्ट करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम सलीम मोहम्मद रफीक मनियार है, मैं भाईपल्ला का रहने वाला हूँ, भाई का चैनल हम लोग ने यूट्यूब पे देखे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, भाई से मिलके हम लोग अजमेर आए, तो मेरी पूरी फैमिली के साथ हम लोग आए हैं, आप भी आओगे तो आप भी भाई से ज़रूर मिलना, बहुत अच्छे भाई हाजिम साहब हमारे।
का होटल भी है भाई की। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम को भाई। हम लोग यहाँ पे हमको कुछ मालूम नहीं थी भाई से मिलकर, हमको बहुत कुछ जानकारी हो गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छे है भाई, आप लोग जाइए तो भाई से जरूर मिलना, भाई के अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं निकल चुका हूँ दरबार गरीब नवाज से। आज का माशाल्लाह जुम्मे का दिन मैंने आप लोग को दिखाया, और वैसे इस ब्लॉग में मैं आप लोग को मेरे जो भाई है मुजम्मिल भाई जो अहमदाबाद से, वही मैं दिखाने वाला था आप लोग को इसी ब्लॉग में, पर माशाल्लाह मेरे और सब्सक्राइबर्स मिल गए और अफसानाबाद जी और इनकी पूरी फैमिली मुंबई से, और उन लोग को मैंने आप लोग को अभी जस्ट मिलाया, और अभी मैं बस घर जा रहा हूँ। घर जाके मैं इंशाल्लाह आप लोग को मैं मुजम्मिल भाई से मैं मिलवाऊंगा, कैसा क्या मंजर है वो मैंने आप लोग को बताया वो बताऊंगा। तो आइए जाते हैं अभी घर जाके, और आप लोग को मैं कंटिन्यू करता इस ब्लॉग को। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को बताया इसी ब्लॉग में, मैं आप लोगों से, मेरे ऐसे एक सब्सक्राइबर है अहमदाबाद से माशाल्लाह हमारे मुजम्मिल भाई, तो उन्होंने हमसे रابطہ कायम किया और उन्होंने हमसे मिलने के लिए बोला, तो ऐसे ही हमने उनको हमारे घर इनवाइट किया। तो अभी माशाल्लाह उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ हमारे घर में है माशाल्लाह इस वक्त। तो ये हमारे मुजम्मिल भाई है माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। ये मुहाफिज मुअज्जम हमारे वालिद साहब है माशाल्लाह, और ये मुजम्मिल भाई की अम्मी जान, ये मेरी मम्मी माशाल्लाह, और ये बाजी। मैं मोहम्मद चिश्ती साहब के व्लॉग्स शायद तो एक डेढ़ साल से रेगुलर देखता हूँ, बट हम अजमेर शरीफ आना कम होता है, बट इस बार आना हुआ तो घर से ही मैं और मेरे वाइफ और पूरी फैमिली ऐसे फिक्स करके निकले थे कि इस बार उनसे ही मिलना है। तो आते ही हम लोग, वैसे तो मैंने अहमदाबाद से निकलने से पहले ही सैयद साहब से रابطہ किया, और वैसे भी मैं व्हाट्सएप पे रابطے पे रहता ही था व्लॉग्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिगार्डिंग सैयद साहब व्लॉग्स। तो फिर बात हुई एंड आपने हमें दावत दी दरगाह शरीफ पे, ज्यारत भी सैयद साहब ने करवाई, दावत दी घर पे पूरी फैमिली के साथ, वालिद साहब हुजूर सरकार भी साथ है, और बस वी एंजॉयड अ लॉट। और आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि आप आए सैयद साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, ऑफ कोर्स नंबर सबके पास होंगे, रेगुलर कांटेक्ट में। अब तो मैं नंबर डालना कम कर दिया स्क्रीन पे, काफी कॉल्स आ जाते हैं, इसलिए अभी मैं सिर्फ बोल देता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे लिख देता हूँ कि सब्सक्राइब द चैनल। जी जी जी, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब, जिसने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब वो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और रेगुलर देखिए प्लीज। चलिए फिर इंशाल्लाह आप लोग के लिए, सबके लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे, और दरबार में इंशाल्लाह दुआ करेंगे सबके लिए, छोटे बड़े सबके लिए इंशाल्लाह। ख्वाजा बाबा आप लोग को बुलाते रहे इंशाल्लाह। आज 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 स्पेशली सब फुल फैमिली इवन हैड अ डिनर हियर, इट वाज अ वेरी डिलीशियस डिनर अल्हम्दुलिल्लाह बाय मा साहब एंड फैमिली। आफ्टर डिनर भी रिफ्रेशमेंट्स काफी रहे, बातें भी काफी अच्छी हुई एक घरेलू माहौल बन गया है। इंशाल्लाह निकलने का दिल नहीं करा, बट एस द टाइम इज वेरी, और इंशाल्लाह जब हम अहमदाबाद जाएंगे तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया, मेरा जो मिशन है कि मैं इंशाल्लाह जितने भी इंडिया के अंदर जितनी भी दरगाहें और तमाम वर्ल्ड के अंदर इंशाल्लाह जितनी भी दरगाहें हैं, और इंशाल्लाह व्लॉग्स के जरिए मैं आप लोग सब तक मैं पहुंचाऊंगा। तो इंशाल्लाह हमारे होस्ट इंशाल्लाह रहेंगे अहमदाबाद में, तो इंशाल्लाह अहमदाबाद अच्छे से हम आपको इंशाल्लाह अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे पूरा अहमदाबाद पूरा गुजरात। सब मैं ये मानता हूँ कि जो लोकल्स होते हैं उस सिटी के जी, वो जी, उनसे अच्छा कोई आपको नहीं बता पाएगा। जी, 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 तो इसलिए अहमदाबाद आपसे बेटर तो कोई बता नहीं पाएगा। तो इंशाल्लाह आपके जरिए इंशाल्लाह हम अहमदाबाद एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द होएगा वो, जब भी होएगा इंशाल्लाह आप लोग को ब्लॉग्स के जरिए। मोस्ट वेलकम, हमारे आप मेहमान बनिए, और इंशाल्लाह हर जगह वो मेरी जिम्मेदारी आप अहमदाबाद इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी मम्मी से आप लोग पहले मिल चुके हो माशाल्लाह मेरे ब्लॉग्स के जरिए माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप आ गए ऐसा लगा नहीं है कि मैं कहीं नई घर पे आई हूँ। मैं मुझे यही लगा कि मेरे एक मेरी अपनी बहन से ज्यादा जिसको कहते हैं वो मुझे मिल गई माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमेशा हम एक दूसरों के लिए दुआ करेंगे, और अल्लाह हम सबको तंदुरुस्ती के साथ कभी किसी चीज़ की मोहताज ना देवे, और चलते फिरते कायम रखे और अच्छे से रखे, और हमेशा प्यार के साथ रखे और आते जाते रहें। मोस्ट वेलकम टू आवर हाउस। أسألك يا الله باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
ترضى عليهم تحميهم تحفظهم من كل شر وسوء وأذى آمين وتبعد عنهم أولاد الحرام وتحبب خلقك فيهم يا الله آمين. وتعطيهم كل ما يتمنون وتبارك لهم فيما أعطيتهم يا الله آمين. وتشرح صدرهم وتيسر أمرهم وتعلي مراتبهم وتسعدهم سعادة الدنيا بنعيمة والآخرة بالفردوس الأعلى آمين. بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله دعاء صغير في العربي الحمد لله میرے مرحوم والد صاحب کے لیے لنگر کا انتظام بھی آپ شیخ محمد چشتی صاحب کے ذریعے عائش کروایا اور چشتی صاحب کے والد صاحب چشتی صاحب نے والد صاحب نے آج اس کا فاتحہ دیا اور الحمد للہ بہت صحیح طریقے سے بہت ایزیلی بہت پرفیکٹ ٹائم پہ الحمد للہ سب کچھ انتظامات ہو گئے میرے پیارے بھائی اور بہنوں آپ بھی میں نے آپ لوگوں کو مزمل بھائی جو احمد آباد سے میرے سبسکرائبر ہیں ان سے میں نے آپ لوگ کی ملاقات کروا دی اور یہ رہا میرا آج کا بلاگ میرے پیارے بھائی اور بہنوں اگر آپ لوگ کو بلاگ اچھا لگا تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ایسے ہی انشاءاللہ درگاہ بلاگ کے ساتھ میں آپ سب سے انشاءاللہ میں ملتا ہی رہوں گا آپ کو پتہ ہی ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں سپورٹ کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ آپ سب سے بہت جلد ملیں گے تب تک السلام علیکم فی امان اللہ